तो सपने देख रहा था कि कोई वाव बिल वाला कस्टमर आ जाएंगे और पहुंचते तो ऐसे लोग हैं। इनके ऊपर मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। वाव बिल तो छोड़ो, इनसे बिल भी आए तो बड़ी बात होगी। इनसे बात करना तो टाइम वेस्ट ही होगा, कैसे तो बचना पड़ेगा। भाई सुनना, मेरा ना पेट खराब है तो मैं जरा वॉशरूम होके आता हूँ, तो इस कस्टमर को तू देख ले। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ फिर आपको कॉल। नमस्कार सर, मान्यवर में आपका स्वागत है। माय नेम इज विकास, हाउ कैन आई हेल्प यू? वेल, आई एम हियर टू बाय सम सेट्स ऑफ शेरवानीज एंड सूट्स। ओके सर, कोई स्पेशल ओकेजन? या इट्स अ फ्रेंड्स वेडिंग। ओके ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस टू योर फ्रेंड सर, प्लीज आइए सर। अरे भाई, इस महीने का पहला वाव बिल ले आया हूं। 70,000 की बिलिंग की उन्होंने। 70,000? हाँ। वो जो शॉर्ट्स और चप्पल में आए थे वो? अरे कस्टमर शॉर्ट्स में आए या सूट में आए, हमें क्या लेना देना। हमें तो हर कस्टमर को गेस्ट की तरह ट्रीट करना है और विश के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। वैसे आपका पेट कैसा है? टॉयलेट जाके थोड़ा बेटर लग रहा होगा ना। पेट पेट एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास। वो एक कस्टमर आए, मैं उन्हें अटेंड करता हूँ। यस प्लीज। नमस्कार, मान्यवर में आपका स्वागत है, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी मुझे शेरवानी देखनी थी। ओके, एनी स्पेशल ओकेजन सर? हाँ, मेरे भाई की शादी। वाओ, कांग्रेचुलेशंस टू योर ब्रदर सर। थैंक यू। आप तो काफी बिजी होंगे शादी में। नहीं नहीं, नथिंग मच, शादी तो अभी 8 महीने बाद है तो अभी तो नहीं। ये तो बस टाइम पास करने आए हैं। ओके सर, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू यू एंड योर फैमिली सर, प्लीज आइए सर। सो प्लीज डू विजिट अगेन सर। सर मे आई हैव योर नंबर? यस, 1212 लेकिन कस्टमर का फंक्शन कभी भी हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो बस अपना 100% एफर्ट्स डालना है। कस्टमर ने नहीं खरीदा तो क्या हुआ, लेकिन उन्हें याद रहेगा कि मान्यवर में उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। तो जब उन्हें असलियत में खरीदना होगा तो वो सीधे यहीं आएंगे। मैंने सोचा ही नहीं था यार, सही कह रहा है तू। आजा। जब कंपनी के फाउंडर मिस्टर रवि मोदी 13 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिताजी के मेंस रिटेल स्टोर में जाना शुरू किया था। वहां पे उन्होंने सेल्समैन से बहुत ही कुछ सीखा और उन्हें सेल्समैनशिप का अलग ही जज्बा चढ़ गया। पर उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की कि कुछ कस्टमर्स को तो अब वहां के सेल्समैन बहुत ही अच्छी सर्विस और अच्छा एक्सपीरियंस देते थे, पर कुछ को वो ठीक से प्रोडक्ट्स भी नहीं दिखाते थे। तो जब उन्होंने अपने सेल्समैन से ये बात पूछी कि ऐसा आप क्यों करते हैं, तो उन्होंने ये बात बताया कि ये सेल्समैन को हम देख के ही बता सकते हैं कि ये कुछ नहीं खरीदने वाले हैं। उस बात सुन के उन्होंने उनसे एक और चीज पूछी कि आप सेल्समैनशिप तो बड़ा अच्छा करते हैं, पर आप क्या भविष्यवाणी भी जानते हैं? जिसका उनके पास कोई आंसर नहीं था। तब से मिस्टर रवि मोदी ने एक बात अपने दिमाग में ठान ली कि जो कस्टमर वहाँ के सेल्समैन अच्छे से सर्विस नहीं देंगे सोच के कि ये कुछ नहीं खरीदने वाले हैं, उन्हें वही कन्वर्ट करेंगे अपने आप। और तब से लेके
कम से कम भी 7-8 सालों तक उन्होंने उन्हीं कस्टमर्स के साथ डील किया और उन्हें 10-10 हज़ार रुपये तक का प्रोडक्ट बेच के अपनी ABV मेंटेन की। इससे यही हमारे को समझ आता है कि कोई भी कस्टमर को अगर अच्छी एक्सपीरियंस और सर्विस मिले तो वो आज नहीं तो कल हमारे पास ही आएगा, और अगर उन्हें लगता है कि हमारे पास बेस्ट एक्सपीरियंस और सर्विस उन्हें मिल रही है तो वो हमारे पास ही आएंगे अपनी पूरी लाइफ तक। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये बात और ये स्टोरी सुन के हर कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस और सर्विस के साथ ज़िंदगी भर अपना बनाए रखेंगे। नमस्कार।